गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट किया, जिसमें टॉपिक था माइनर एंड कोफैक्टर। स्टूडेंट्स, अगर माइनर और कोफैक्टर हमको फाइंड करना आ गया तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी हो जाएगी। सेकंड थिंग, दिस एक्सरसाइज इज डिपेंडेंट ऑन मैट्रिक्स। चैप्टर अभी कंटिन्यूस हमारा डिटर्मिनेंट, पर डिटर्मिनेंट में ये कंसेप्ट है मैट्रिक्स का, ओके? और आपको फाइंड करना है सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का एडजॉइंट फाइंड करना है। सेकंड थिंग कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का इनवर्स भी फाइंड करना है। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको जरूरत है एडजॉइंट की, यानी एडजॉइंट अगर फाइंड करना आ गया तो आप इनवर्स इजीली फाइंड कर सकते हो। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स? तो स्टूडेंट्स देखो, डेफिनेशन है कि द एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी सेकंड थिंग कि किसका एडजॉइंट मिलने वाला है, ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स का, ओके? स्क्वायर मैट्रिक्स इज डिफाइंड ए इज इक्वल्स टू ए आई जे, वेयर एन क्रॉस एन इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, ट्रांसपोज लेना है मैट्रिक्स का, तो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, उसमें भी कंडीशन है वेयर। व्हाट इज द कैपिटल ए आई जे? कैपिटल ए आई जे इज द डिनोटेड बाय कोफैक्टर, ओके? कोफैक्टर से हम डिनोट कर, कोफैक्टर को ए आई जे से डिनोट करते थे, ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए आई जे। स्टूडेंट्स, इंसर्ट क्या करना है? कोई एक मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, हर एक कॉम्पोनेंट्स के आपको कोफैक्टर फाइंड करना है, जो लास्ट लेक्चर में हमने सॉल्व किया। 2x2 है तो 4 एलिमेंट्स है, वो 4 एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करने हैं, और फिर आपको उसको लिख, उसका ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ओके? यानी 3x3 है तो 9 एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट स्मॉल ए आई जे के आपको कोफैक्टर फाइंड करना है, और फिर उसको रिटर्न में कैसे लिखना है, ट्रांसपोज में, ओके? इट्स कॉल्ड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, इज डिनोटेड बाय द ए डी जे एडजॉइंट ऑफ ए, ओके? मींस मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट यहां पर मिल जाएगा। स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करते हैं, मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। स्टूडेंट सपोज 2x2 टाइप, कोई हम पहले एग्जाम्पल लेते हैं, 2x2 टाइप डिटर्मिनेंट है, 2x2 टाइप कोई मैट्रिक्स है, सपोज ए इज इक्वल टू 2, 5, -6, 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 4 एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर फाइंड करना है, तो साइन को भी हम फोकस करते हैं, साइन हमारे पास है यहाँ पर प्लस माइनस माइनस प्लस, ओके? तो कैपिटल ए वन वन क्या होगा, कैपिटल ए वन वन यानी 2 का कोफैक्टर, दैट इज 1, ओके? और इसकी साइन आपको मिलेगी प्लस, यानी नो चेंज। व्हाट इज द कैपिटल ए वन टू, यानी ये 5 का कोफैक्टर, यानी -6, बट यहां पर आपको साइन चेंज करनी होगी, वी गेट 6। सेम हियर देखो स्टूडेंट्स, ए टू वन में आपको -6 का कोफैक्टर फाइंड करना है, इज 5, एंड साइन यहाँ पे भी चेंज होगी, ओके? ये दो प्लेस में साइन चेंज होने वाली है, वो आपको मालूम है, लास्ट लेक्चर में ये कंफर्म किया था, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व भी किए थे। ए टू टू यानी 1, तो 1 का कोफैक्टर क्या होगा, दैट इज 2, बट साइन यहाँ पर नो चेंज, ओके? यानी एज इट इज। तो स्टूडेंट्स ये हमने फाइंड किया यहाँ पर कोफैक्टर, तो सभी कोफैक्टर हुए 1, 6, -5 एंड 2, ओके? तो यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि ये कोफैक्टर फाइंड किया, बट अब आपको क्या करना है, ट्रांसपोज देना है इसका, ओके? ये फॉर्मेट में नहीं लिखना है आपको, ओके? तो ये तो ओनली फॉर कोफैक्टर्स होंगे सबके, बट एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको क्या करना है, अब इसका ट्रांसपोज देना है, तो जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स थे उसको फर्स्ट कॉलम में लिखना है, ओके? फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में लिखना है, और सेकंड रो के एलिमेंट्स को सेकंड कॉलम में लिखना है। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स 2x2 में आपने क्या किया, यहां से आप चेक करो, तो 2x2 मैट्रिक्स था, उसके 4 एलिमेंट्स से सबके आपने कोफैक्टर फाइंड किया और फिर ट्रांसपोज ले लिया, ओके? बट स्टूडेंट्स यहां से आप डायरेक्टली देख सकते हो कि क्या वेरिएशन आया। देखो ये 2, 1 था तो यहाँ पर 1, 2 हो गया, ओके? और ये -6, 5 था तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन चेंज हो गई। देखो -6 का +6 हो गया और 5 का -5। तो इंसर्ट आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, डायरेक्टली अगर लिखना है तो ये प्रिंसिपल डायगोनल्स का आपको क्या करना है, प्लेस चेंज करना है, और जो सेकेंडरी डायगोनल्स है उसकी आपको साइन चेंज करनी है। तो
एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो स्टूडेंट्स, सपोज ए इज इक्वल टू -4 -3 2 -6, एक मैट्रिक्स है आपके पास, इसका एडजॉइंट लिखना है स्टूडेंट्स। तो 2x2 है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कैसे, तो प्रिंसिपल डायगोनल्स प्लेस चेंज, यानी -6 -4 प्लेस चेंज कर दिया ये दोनों का, ओके। और जो सेकेंडरी है ये दोनों की आपको साइन चेंज करनी है। नाउ 2 पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएगा, -3 है तो वो +3 हो जाएगा, दैट इज द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हो गया ये एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इंसर्ट आपको 2x2 में बहुत ही इजीली एडजॉइंट मिल जाएगा, प्रिंसिपल डायगोनल्स का आपको क्या करना है, प्लेस चेंज करना है, और सेकेंडरी जो डायगोनल्स है तो वो उसका आपको साइन चेंज करना है। तो ये हुआ 2x2 टाइप का मैट्रिक्स था, उसका आपने एडजॉइंट फाइंड किया। नाउ अब हम यहाँ पर 3x3 टाइप को मैट्रिक्स है उसका हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। सपोज द मैट्रिक्स ए इज इक्वल्स टू 2 5 -1 4 1 0 2 -3 1, ओके। ऐसे कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास। तो स्टूडेंट्स देखो, लास्ट लेक्चर में जो एक्सरसाइज 4.4 थी उसमें आपने क्या किया, सभी के आपने कोफैक्टर्स फाइंड किए थे। तो देखो सपोज आपने a11 फाइंड किया, ओके। उससे पहले आपने माइनर फाइंड किया था, माइनर के आगे साइन लगाई थी और फिर आपने सॉल्व किया था। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे इनवर्स फाइंड करना है, ओनली एडजॉइंट चाहिए, तो आपको यहाँ पे अब वो प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी, ओके। 9 एलिमेंट्स आप सेपरेटली लिखते थे और फिर उसको लिखते थे ऐसे, फर्स्ट रो में, सेकंड रो, थर्ड रो, बट आपको यहाँ पर लिखना है कॉलम वाइज लिखना है, ओके। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, उसका एडजॉइंट मिल जाएगा स्टूडेंट्स। बट यहाँ पर मैं देखो स्टूडेंट्स डायरेक्टली एडजॉइंट फाइंड कर रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखना, बस आपको पॉइंट क्लियर है बट ध्यान रखना है कैसे लिखना है। आपको ऑपरेशन करना है स्टूडेंट्स रो वाइज, बट लिखना है आपको कॉलम वाइज, ओके। ऑपरेशन कहाँ करना है आपको, रो वाइज करना है, बट लिखना कैसे है, कॉलम वाइज। ये सेकेंड रो तो आपको लिखना होगा यहाँ पर सेकेंड कॉलम में, ओके। सेम थर्ड रो को आपको लिखना होगा थर्ड कॉलम में, ओके। तो इंसर्ट मैं यहाँ पर डायरेक्टली सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट्स, ओके। साथ में ऑपरेशन रो वाइज करेंगे, लिखेंगे कॉलम में, यानी उसका ट्रांसपोज भी हम साथ में ले रहे हैं, ओके। तो यानी सभी को फैक्टर्स फाइंड करते जाएंगे, बट रिटर्न में हम लिखेंगे कॉलम वाइज, तो वो डायरेक्ट ट्रांसपोज हो जाता है उसका, तो यानी एडजॉइंट आपको मिल जाएगा। अब देखो स्टूडेंट्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले तो फर्स्ट ये 2, और आपको सेकंड थिंग ये भी मालूम है कि ट्रांसपोज जब हम को फैक्टर्स फाइंड करते हैं तो उस वक्त ये जो सिचुएशन है, ये 4 नंबर्स जो डायगोनल्स में यहाँ पर डायमंड शेप में दिख रहे हैं, ये 5 0 -3 और ये 4, ये 4 की जब हम डिस्कस करेंगे तो वो 4 की ही साइन चेंज होती है, बाकी किसी में साइन चेंज नहीं होती, जो आता है एज इट इज दिख देते हैं, ओके। तो हम यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे, ये 4 की जब हम डिस्कशन करेंगे उसी वक्त साइन चेंज करके लिखना है। तो फर्स्ट हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ये 2, तो 2 के रिलेटेड आंसर क्या मिलेगा, 1 -0, दैट इज 1, साइन चेंज नहीं होगी, तो ये रहा 1, ओके। अब देखो ये 5 के लिए जो भी आंसर आया स्टूडेंट साइन चेंज करके लिखेंगे, प्लस आया तो माइनस कर देना है और माइनस में आंसर आया तो प्लस कर देना, तो ये रो एंड कॉलम कैंसिल होगी, यानी 4 -0 दैट इज 4, बट यहाँ पर आपको साइन चेंज करनी, यानी -4। लास्ट वाला टॉपिक ये, तो रो एंड कॉलम कैंसिल, तो -12 -2 -12 -2 दैट इज -14, ओके। साइन चेंज नहीं करनी है तो -14। तो ये फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट से सबका आपने कोफैक्टर फाइंड किया, बट रिटर्न में लिखा कॉलम वाइज। नाउ अब हम सेकेंड रो के रिलेटेड स्टार्ट करते हैं, ये 4 की हम डिस्कस करते हैं, ये कॉलम एंड रो कैंसल, 5 माइनस, ओके 5 देखो लिखा, माइनस तो ऑलरेडी लिखना है, अब ये दोनों का मल्टी, -3 होगा, ओके। तो देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये 5 माइनस तो ऑलरेडी लिखना है और 3, ओके 5 -3 वी गेट 2, बट साइन चेंज करके लिखना है, दैट इज -2। अब मैं 1 की डिस्कशन कर रहा हूँ, ये कॉलम एंड रो कैंसिल हो जाएगा, ओके। तो आपको देखो यहाँ पर एलिमेंट्स मिलेंगे 2 एंड 1, 2 1 जा 2, माइनस तो ऑलरेडी लिखना है और -2, ओके। तो देखो यहाँ पर
माइनस माइनस टू दैट इज फोर, साइन चेंज नहीं करना है, दैट इज फोर। अब ये जीरो के रिलेटेड यहां पर साइन चेंज करेंगे हम, तो टू एंड माइनस थ्री यानी माइनस सिक्स एंड टू एंड फाइव दैट इज टेन, माइनस सिक्स माइनस टेन माइनस सिक्सटीन, बट साइन चेंज करके लिखेंगे दैट इज प्लस सिक्सटीन। नाउ अब बाकी रहा लास्ट थर्ड रो, थर्ड रो को हम सॉल्व करते हैं, ये कॉलम एंड रो कैंसिल हो जाएगा, जीरो माइनस देखो जीरो माइनस माइनस वन दैट इज प्लस वन, और यहां पर भी आप देखते हो साइन चेंज नहीं होगी, मीन से प्लस वन। ये माइनस थ्री की जब हम डिस्कस करेंगे तब साइन चेंज करके लिखना है, तो जीरो माइनस माइनस फोर यानी प्लस फोर आया आंसर, आंसर मीन्स फाइनल माइनस फोर। ये वन की जब हम डिस्कस करेंगे तब ये टू माइनस ट्वेंटी माइनस एटीन, तो माइनस एटीन आपको यहाँ पर लिख देना है, तो दैट इज द एडजॉइंट यानी इंसर्ट। आपने जो लास्ट लेक्चर में जो नाइन स्टेप्स का सेपरेटली फाइंड किया था, बट अब आपको यहाँ पे प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। और सेकेंड थिंग, ऑपरेशन रो वाइज रिटर्न वर्क में हम कॉलम वाइज देखते जाएंगे, डायरेक्ट एडजॉइंट मिल जाएगा। तो ये कंसेप्ट के बेस पर स्टूडेंट्स हमको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके, तो ये इस तरह से हम 2x2 और 3x3 के हम सॉल्व करेंगे। 3x3 की कंपेयर में 2x2 का एडजॉइंट इजीली मिल जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट है, देखो स्टूडेंट्स, थियरम्स है कि इफ ए बी द एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, कोई भी मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, तो ए इंटू एडजॉइंट का मल्टी करो, अदरवाइज एडजॉइंट इंटू ए का मल्टी करो, तो वो ए मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स वैल्यू इंटू आई रहेगा, यानी आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ ये स्केलर मल्टी होगा उतनी ही वैल्यूज होगी। ओके, तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, दैट इज ऑलवेज ट्रू। डेफिनेशन फोर है कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर। अब सिंगुलर कब बोलेंगे, इट्स डिटरमिनेंट्स वैल्यू इज जीरो। मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर जीरो इट्स कॉल्ड द सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, एक नया टाइप है। अदरवाइज आपको यहां पर मिला कि स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी ए नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर मीन्स यहाँ पर डिटरमिनेंट्स की वैल्यू इज नॉट जीरो। तो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू अगर आपको नॉट जीरो मिली, उसका मतलब ये हुआ कि स्टूडेंट्स के स्क्वायर मैट्रिक्स का जो इनवर्स फाइंड करना है तो इनवर्स एग्जिस्ट होगा। ओके, तो यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉन सिंगुलर होगा, यानी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू नॉट जीरो आपको मिली यहाँ पर, तो ही आपको इनवर्स मिलेगा। क्यों? तो इनवर्स मैट्रिक्स की जो डिफाइन है, देखो स्टूडेंट्स मैं यहां पर लिख रहा हूं, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो सपोज द मैट्रिक्स ए है, तो इसका इनवर्स होगा ए इनवर्स, एंड इट्स फॉर्मूला वन अपॉन डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो इनवर्स की फॉर्मूला है उसमें ऑलरेडी एडजॉइंट आता है, तो एडजॉइंट आपको सबसे पहले फाइंड करना है, और उससे भी पहले अगर वो डिटरमिनेंट्स की वैल्यू अगर आपको यहाँ पर देखो जो मैट्रिक्स है 2x2 या 3x3 उसकी वैल्यू आपको आती है, अगर वो वैल्यू अगर आपको जीरो मिली तो आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, डिनोमिनेटर जीरो हो गया, इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये नॉट जीरो मिला, ओके, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनेगा तो ही उसका इनवर्स मिलेगा। तो इनवर्स जब भी फाइंड करना है तो सबसे पहले डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे, नॉट जीरो दैट इज एग्जिस्ट, इफ जीरो देन इनवर्स इज डज नॉट एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट है तो आपको एडजॉइंट फाइंड करना है और फिर ये फॉर्मूला में पुट करके सॉल्व करना है। तो ये कंसेप्ट पर डिपेंडेंट पूरी एक्सरसाइज 4.5 है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 4.5। हियर फर्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ईच मैट्रिक्स इन द एक्सरसाइज वन एंड टू। तो फर्स्ट है आपके पास मैट्रिक्स ए इज द 2x2 टाइप मैट्रिक्स। ओके, अभी स्टूडेंट्स आपने आपको मैंने बताया कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स और 2x2 में बहुत ही इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आपको प्रिंसिपल डायगोनल से उसका प्लेस चेंज कर देना है, ये 1 4 है तो 4 1 हो जाएगा, और डायगोनल जो सेकेंडरी डायगोनल से उसकी आपको क्या कर देनी है, साइन चेंज करना है, तो बहुत ही इजीली आपको 2x2 का एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स मिल जाएगा। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, तो सेकेंड क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए आपको 3x3 दिया हुआ है, तो 3x3 टाइप मैट्रिक्स का आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। ओके, तो आंसर आपको 3x3 मिलने वाला है, सेकेंड
सेकेंड थिंग, नाइन जो फैक्टर्स है, जो कंपोनेंट्स एलिमेंट्स है, सभी एलिमेंट्स का आपको को फैक्टर फाइंड करना है, और फिर ऑपरेशन रो वाइज करना है, बट रिटर्न में आपको कॉलम वाइज देखना है, तो यानी साथ में ट्रांसपोज भी हो जाएगा उसका। ओके, तो हम यहाँ पर एक और चीज फोकस करते हैं कि यहाँ पर हमको क्या कि ये जो डायमंड शेप आपको दिख रहा है, ये सब मिडल में, ओके, ये सब एलिमेंट्स के जब हम कंपोनेंट्स फाइंड को फैक्टर्स फाइंड करेंगे उस वक्त हम साइन चेंज करके लिखेंगे, अदरवाइज एज इट इज लिख देंगे। ओके, तो नाउ स्टार्ट करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट वन के लिए क्या मिलेगा, 3 माइनस 0। ओके, 3 माइनस 0 आप सेपरेटली भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, पर टाइमिंग जाएगा उसमें। ओके, वो लिखना है, फिर उसको ट्रांसपोज करके लिखना है, तो बेटर है हम ये पैटर्न से जाएंगे, 3 माइनस 0 दैट इज 3। नाउ ये एलिमेंट, ओके, तो आपको क्या होगा, ये 2 1 2 माइनस माइनस 10, 2 माइनस माइनस 10, ओके, ऐसी सिचुएशन आएगी, यानी 2 प्लस 10 यानी 12, बट साइन चेंज करके लिखना है आपको। यहाँ पर 2 प्लस 10 था 12, यानी -12। ओके स्टूडेंट्स, अब थर्ड थर्ड नंबर में आपके पास है यहाँ पर 2, ये 2 की हम पर बात करते हैं, तो ये 0 माइनस माइनस 6 यानी +6, बट साइन चेंज नहीं करेंगे, दैट इज +6। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास, सेकेंड रो की हम डिस्कशन करेंगे, तो सेकेंड रो में हम क्या करेंगे, तो सेकेंड रो में आपके पास फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ पर 2। ओके, तो ये 2 की हम डिस्कस करेंगे, तो -1 माइनस 0, -1 आया, बट स्टूडेंट साइन चेंज करके लिखो, दैट इज +1। अब 3 के लिए रिलेटेड हम फाइंड करें, तो ये रो कॉलम कैंसिल हो जाएगी। ओके, तो 1 माइनस माइनस 4, 1 प्लस 4 दैट इज 5। अब 5 के रिलेटेड यहां पर साइन चेंज होगी, 0 माइनस 0 माइनस 2, ये दोनों का मल्टी ऑलरेडी 2 होगा। ओके, तो देखते हैं यहां पर ये हुआ 0 माइनस 2 यानी -2, बट साइन चेंज करके लिखना है, दैट इज +2। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, सॉरी, थर्ड रो के रिलेटेड हम स्टार्ट करते हैं, तो थर्ड रो में एलिमेंट्स है आपके पास, देखो, और -2 के रिलेटेड हमको सॉल्व करना है, तो -2 का आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पर देखो, -5 माइनस 6 माइनस 11, बट साइन चेंज नहीं करना है, दैट इज -11। अब हम सेकेंड रो फोकस करते हैं, तो सेकेंड एलिमेंट 0, तो ये रो एंड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो आपको आंसर मिलेगा 5 माइनस 4 दैट इज 1। ओके, बट साइन चेंज, दैट इज -1। और लास्ट कंपोनेंट है आपके पास 1, तो 3 माइनस माइनस 2, 3 प्लस 2 दैट इज 5, बट साइन चेंज नहीं करनी है। तो स्टूडेंट्स देखो, आपको यहाँ पर एडजॉइंट बहुत ही इजीली मिल जाता है। ओके, तो इस तरह से आपको एडजॉइंट फाइंड करना है। ओके, अब जब भी क्वेश्चन, सपोज स्टूडेंट्स इनवर्स फाइंड करना है, तो क्या करना है, इनवर्स सपोज मैं यहाँ पे देखो, तो ए इनवर्स की फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, तो इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करो, 4 1 4 -6 -2, -2 इज नॉट 0, तो आपको मिल सकता है, तो ये -2। ओके, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये इसका इनवर्स होगा, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, तो इनसर्ट आपको एडजॉइंट आ गया, तो इनवर्स भी आप इजीली, बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट कंटिन्यूस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, आपको वेरीफाई करना है जो आपके पास आइडेंटिटी थी अभी बताया, कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करते हैं, देखो स्टूडेंट्स, एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज द मैट्रिक्स ए, तो व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ ए, तो 2 क्रॉस 2 में बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हो, -6 एंड 2 हियर। ओके, प्लेस चेंज कर दिया, यहाँ पर साइन चेंज करनी है। ओके, ये दोनों का ओनली फॉर साइन चेंज, प्लेस चेंज नहीं करना है, तो ये हो गया स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए। अब आपकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स में आपको एक ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है आपके पास 2 3 -4 -6, और उसका एडजॉइंट है आपके पास -6 -3 4 2। ये दोनों मैट्रिक्स का आपको क्या करना है, प्रोडक्ट। ऑलरेडी प्रोडक्ट आपको इसके पहले वाले चैप्टर, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स में
प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स ऑलरेडी टॉपिक क्लियर किया हुआ है, तो उसी के बेस पे रिलेटेड हम प्रोडक्ट करते हैं। कैसे करते थे? फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ। ओके, तो अब यहां पर देखो तो ये होगा -24, ओके सॉरी -12 एंड +12, तो दैट इज 0। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे मिला 0। सेम -6 +6, दैट इज 0। नाउ नेक्स्ट सेकेंड रो माइनस माइनस +24 एंड -24, वी गेट 0। एंड सेम हियर माइनस माइनस +12 -12 इज 0। तो आपको ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया, तो जिसमें आपने ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड किया स्टूडेंट्स। ओके, अब आपको सेकेंड पॉइंट हमारे पास है, तो सेकेंड पॉइंट जो है उसमें आपको एडजॉइंट ऑफ ए का ए मैट्रिक्स के साथ मल्टी करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए ऑलरेडी आपके पास है -6 -3 -4 2, एंड ए मैट्रिक्स इज हियर 2 3 -4 -6। तो हम दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, देखो कि -12 +12 दैट इज 0। सेम -18 +18 दैट इज 0। सेम सेकेंड रो 8 -8 इज 0 एंड 4 3 12 -12 इज 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो आपको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों सेम मिले। अब इसको हम कंपेयर करते हैं लास्ट थर्ड पॉइंट, उसमें है डिटरमिनेंट्स की वैल्यू इनटू आई। तो डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पर जो वैल्यू होगी स्टूडेंट्स, तो मैं पहले सेपरेटली फाइंड कर सकता हूँ यहाँ पर, फिर बाद में हम सॉल्व करते हैं। तो डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं 2 3 -4 -6, तो वैल्यू मिलेगा यहाँ पर -12 -12 माइनस यहाँ पर माइनस माइनस, ओके यहाँ पर -12 यानी माइनस माइनस +12 यानी 0 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपका लास्ट जो कंडीशन था वो कंडीशन को हम कंटिन्यूस करते हैं। देखो तो लास्ट जो कंडीशन थी तो जिसमें डिटरमिनेंट को किसके साथ मल्टी करना है? आई के साथ। ओके, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 मिली और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई यानी 1 0 0 1, उसका हम प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 0 0 0 0, इट्स मीनिंग क्वेश्चन नंबर 3। तो आप देख सकते हो इक्वेशन 1 2 एंड 3, इक्वेशन 1 2 एंड 3 क्या मिला आपको स्टेटमेंट? देखो कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। तो ये स्टेटमेंट्स ये ऑलरेडी ट्रू है, ऐसा आपने प्रूव कर दिया। सेम क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, उसमें आपको 2 क्रॉस 2 की जगह पर 3 क्रॉस 3 दिया हुआ है स्टूडेंट्स। तो दिस इज द मैट्रिक्स ए, और ये मैट्रिक्स का सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, तो सबसे पहले हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, तो आपको इतना तो मालूम है कि ये 4 जो नंबर्स है, जब हम उसकी डिस्कशन करेंगे तब हम साइन चेंज करके लिखेंगे। ओके, यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ यानी हमारे हम उसको इजीली विजुलाइज कर पाए, और ये जब नंबर्स के हम डिस्कशन करें तो साइन चेंज करके हमको लिखना है। तो फर्स्ट रो वाइज हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, तो 1 -1 एंड 2 है, तो हम सबसे पहले 1 के रिलेटेड सॉल्व करें। तो देखो स्टूडेंट्स, ये 1 तो क्या होगा, 0 -0 दैट इज 0। ओके, तो फर्स्ट आपको एलिमेंट मिल गया स्टूडेंट्स यहाँ पर 0। ओके, अब ये साइन चेंज करके लिखेंगे 9 -2, 9 + 2 यानी 11, बट साइन चेंज करना है दैट इज अ -11। लास्ट 2 के रिलेटेड 0 -0 दैट इज 0, यहाँ पर आंसर मिला आपको 0। अब सेकेंड रो के रिलेटेड ये 3 की हम डिस्कशन करते हैं, कॉलम एंड रो निगलेक्ट हो गया यहाँ पर। ओके, तो -3 -0, तो आपको आंसर मिला -3, बट साइन चेंज करके लिखना है दैट इज +3। अब 0 तो कॉलम एंड रो कैंसिल हो गया, 3 -2 दैट इज 1, बट साइन इज नो चेंज यानी 1। ये -2 की डिस्कशन करते हैं तो उस वक्त साइन चेंज करेंगे हम, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0 -1 यानी 0 + 1 हुआ। ओके, तो साइन चेंज करनी है, वी गेट -1। थर्ड रो के रिलेटेड ये 1 की डिस्कशन करें तो ये 2 -0 दैट इज 2, बट साइन नो चेंज दैट इज 2।
नाउ नेक्स्ट जीरो के लिए माइनस टू माइनस सिक्स माइनस एट बट साइन चेंज दैट इज प्लस एट एंड लास्ट जीरो माइनस माइनस थ्री यानी जीरो प्लस थ्री दैट इज थ्री। तो स्टूडेंट देखो यहां पर मैंने एडजॉइंट फाइंड कर दिया। ओके अब हमको यहां पर चेक करना है स्टूडेंट्स कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये दोनों का मल्टी करना है। तो ए मैट्रिक्स ऑलरेडी आपके पास है वन माइनस वन टू थ्री जीरो माइनस टू वन जीरो थ्री और इसका प्रोडक्ट करना है आपको जीरो थ्री टू के साथ माइनस वन वन एट जीरो माइनस वन थ्री। अब देखो स्टूडेंट्स ये दोनों का हम प्रोडक्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखो फर्स्ट ये हुआ जीरो माइनस माइनस प्लस इलेवन एंड जीरो दैट इज इलेवन। ओके तो यहाँ पर आपको एलिमेंट मिला इलेवन और सेकेंड कॉलम के साथ ये थ्री माइनस वन माइनस टू थ्री माइनस वन माइनस टू दैट इज जीरो। नाउ थर्ड कॉलम के साथ ये टू माइनस एट और सिक्स टू माइनस एट सिक्स दैट इज जीरो। ओके स्टूडेंट्स तो ये आपको ऑलरेडी प्रोडक्ट आता है यहाँ पर मैं सॉल्व कर देता हूँ इसका आंसर आ रहा है जीरो इलेवन जीरो और लास्ट में होगा जीरो जीरो इलेवन। इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर वन। अब देखो स्टूडेंट सेम आपको ये क्वेश्चन सेल्फ ट्राई करना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड आपको फाइंड करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए जो मैट्रिक्स है उसका प्रोडक्ट ए के साथ। ओके और तीसरा पॉइंट आपको डिटर्मिनेंट ए की यानी मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इनटू आई फाइंड करना है। तो ये आपको अब सेल्फ ट्राई करना है और आप देखोगे तीनों तीन का आंसर क्या आएगा सेम ऑलरेडी आपको प्रोडक्ट भी आता है तो वही मेथड से आपको सॉल्व करना है। तो वो जो स्टेटमेंट था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई ये स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फाइव। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन है फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच मैट्रिसेस इन द गिवन एक्सरसाइज 5 टू 11। तो 5 टू 11 में आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैट्रिक्स को मैं यहाँ पे ए बोल रहा हूँ इनवर्सिस एग्जिस्ट है या नहीं तो डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करो। देखो स्टूडेंट्स टू माइनस टू फोर थ्री तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको मिलेगी थ्री टू जा सिक्स माइनस माइनस एट दैट इज सिक्स प्लस एट दैट इज फोर्टीन इज नॉट इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको मिला फोर्टीन नॉट जीरो दैट इज ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। सबसे पहले आपको ये चेक करना है इफ एग्जिस्ट और नॉट। ओके ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स एग्जिस्ट है तो आपको एडजॉइंट फाइंड करना होगा तो एडजॉइंट ऑफ ए भी आपको आता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए प्रिंसिपल का आपको प्लेस चेंज करना है और सेकेंडरी का साइन चेंज कर देना है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम यहाँ पर ए इनवर्स की फॉर्मूला लिखते हैं ए इनवर्स इज वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट हियर तो डिटर्मिनेंट इज 14 एंड एडजॉइंट इज द 3 2 माइनस 4 2। ओके तो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका इनवर्स। तो ये मेथड से आपको स्टूडेंट्स इनवर्स फाइंड करना है। एडजॉइंट भी आता है और डिटर्मिनेंट भी आता है दोनों को बस ये प्रॉपर फॉर्मेट में आपको लिखना है तो आपको इनवर्स मिल जाएगा। सेकेंड थिंग ये 14 बार मल्टी में आप सबके अंदर डिवाइड में भी लिख सकते हो। जनरली हम क्या करेंगे यहाँ पर ऐसा कोई नंबर आया कि जो अंदर सभी नंबर से डिवाइड हो सकता है तो हम अंदर लिखेंगे अदरवाइज एज इट इज भी रख सकते हो अदरवाइज 3 बाय 14 2 बाय 14 माइनस 4 बाय 14 2 बाय 14 तो ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो ये होगा इनवर्स। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है देखो स्टूडेंट्स वो आपको सेल्फ ट्राई करना है यहाँ पर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन। तो सेवन नंबर का क्वेश्चन है सबसे पहले ये मैट्रिक्स है उसकी हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू हम फर्स्ट कॉलम से सॉल्व करेंगे। देखो स्टूडेंट्स दो जीरो है। ओके तो हम वन तो यहां पर क्या मिलेगा टू फाइव जा टेन माइनस जीरो। ओके तो टेन माइनस जीरो वी गेट टेन इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके दैट इज ए इनवर्स इज एग्जिस्ट। ओके तो ए इनवर्स एग्जिस्ट है तो अब आपको स्टूडेंट्स क्या फाइंड करना होगा एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट भी आपको आता है तो एडजॉइंट हम लिखते हैं। देखो यहाँ पर तो फर्स्ट यहाँ पर वन के लिए तो आपको टेन माइनस जीरो तो आपको टेन मिलेगा। ओके सेकेंड थिंग को ये चार जब हम डिस्कस करेंगे तब हमको साइन चेंज करके लिखना है। ओके चलो अब टू के रिलेटेड जीरो माइनस जीरो दैट इज जीरो बट लिखना कॉलम में है ये ध्यान रखना है।
के रिलेटेड, जीरो माइनस जीरो, ओके, तो यहाँ पे भी क्या होगा स्टूडेंट्स, जीरो मिलेगा आपको, ओके। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड रो से, जीरो के रिलेटेड हम डिस्कस करें तो ये फाइव टू जा टेन माइनस जीरो, यानी टेन बट साइन चेंज करके लिखना है माइनस टेन। सेकेंड पॉइंट ये टू के रिलेटेड, तो कॉलम कैंसिल, फाइव माइनस जीरो दैट इज फाइव, बट साइन चेंज नहीं, यानी फाइव। लास्ट देखे तो ये जीरो माइनस जीरो दैट इज जीरो, तो आपको यहां पर आंसर मिलेगा जीरो, बट साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये रिलेटेड बात करें तो ये रो कॉलम कैंसिल हो जाएगा, एट माइनस सिक्स दैट इज टू, ओके, तो आपको आंसर मिलेगा टू। नेक्स्ट ये एलिमेंट की डिस्कस करें, कॉलम एंड रो कैंसिल, फोर माइनस जीरो दैट इज फोर, बट साइन चेंज करेंगे यहां पर माइनस फोर मिलेगा आपको, और लास्ट में टू माइनस जीरो दैट इज टू। आपको एडजॉइंट मिल गया स्टूडेंट्स, अब आपको फाइंड करना था ए इनवर्स, इट्स वैल्यू इज वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज टेन, ओके। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला, इट इज नॉट ए मॉड्यूलस वैल्यू, अगर माइनस में आंसर आया तो माइनस ही लिखना है, ये साइन जो है वो डिटर्मिनेंट की साइन है स्टूडेंट्स, ओके, इंटू एडजॉइंट, तो एडजॉइंट आपके पास है टेन माइनस टेन टू, अब जीरो फाइव माइनस फोर एंड जीरो जीरो टू, ओके, तो ये होगा स्टूडेंट्स आपका ए इनवर्स। अब सेम मेथड से स्टूडेंट्स ये आपको सेल्फ ट्राई करना है, ओके, आपको देखो डिटरमिनेंट की वैल्यू भी आती है और जॉइंट भी आता है, बस खाली प्रॉपर फॉर्मेट में फॉर्मूला में पुट करना है। क्वेश्चन नंबर नाइन एंड टेन आल्सो द सेल्फ ट्राई, बोथ आर सेम क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स ये ऐसे क्वेश्चन है जिसमें आपके एडजॉइंट सर इसमें लास्ट में और सॉल्व करना है कि जो आपने रखा वहीं पे छोड़ देना, बस वही अभी बता रहा हूँ। देखो आपको यहाँ पर डिवाइड कर सकते हो, ओके, यानी डिवाइड किया तो यहाँ पर आपको वन मिलेगा, यहाँ पर माइनस वन, टू बाई टेन, वन बाई फाइव, अगर आपने ये फॉर्मेट रखा तो भी सही है, अदरवाइज आप सबको सेपरेटली दे दो तो भी सही है, ओके। जनरली हम क्या करेंगे, अंदर सभी नंबर्स मल्टी में करने से डिवाइड हो जाएंगे, फ्रैक्शन नहीं रहता तो हम मल्टी कर देंगे, अदरवाइज एज इट इज भी आप रख सकते हो, ओके। नेक्स्ट नाइन नंबर और टेन नंबर भी होमवर्क में, और इलेवन नंबर में यहाँ पे कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो से ही होगी, ये मैट्रिक्स है उसको डिटर्मिनेंट एज एज्यूम कर लो, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, आप देख सकते हो यहाँ से माइनस कॉमन निकाल देते हैं, अंदर रहेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, बट कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर दैट इज वन, मीन्स मल्टीप्लाई होगा माइनस वन, ओके, इट्स नॉट इक्वल टू जीरो, भले नेगेटिव आए यहाँ पर बट जीरो नहीं आना चाहिए, दैट इज ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट हुआ स्टूडेंट्स, तो अब आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट फाइंड होगा बस खाली फॉर्मूला में पुट करना होगा, तो देखो मैं यहाँ पर एडजॉइंट फाइंड कर रहा हूँ, ये वन रो एंड कॉलम कैंसल, ओके, माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर माइनस कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, माइनस कॉमन निकाल दो यानी वन हो जाएगा, यानी आंसर मिलेगा आपको माइनस वन, ओके, तो यहाँ पर यही वाला आपको आंसर मिलेगा माइनस वन, ओके, वन के रिलेटेड आपको आंसर मिला माइनस वन। अब सेकंड देखो तो जीरो है, ओके, रो वाइज जाएंगे लिखेंगे कॉलम में, ये चार को हम फोकस करेंगे यहाँ पर साइन चेंज करके लिखेंगे, ये जीरो की बात कर रहे हैं, तो ये होगा जीरो माइनस जीरो दैट इज जीरो, कॉलम में लिखेंगे, लास्ट में जीरो माइनस जीरो, ओके, तो यहाँ पे भी होगा जीरो। अब सेकेंड रो की हम बात करें तो सेकेंड रो में ये जीरो की डिस्कशन करते हैं, जीरो माइनस जीरो, तो सेम हियर जीरो, ओके, तो यहाँ पर जीरो, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें। अब कॉस अल्फा के रिलेटेड तो माइनस कॉस अल्फा माइनस जीरो, दैट इज आंसर इज माइनस कॉस अल्फा, बट एज इट इज रहेगा नो साइन चेंज, यानी माइनस कॉस अल्फा। अब ये साइन अल्फा के रिलेटेड ये रो कैंसल, यानी साइन अल्फा माइनस जीरो, बट साइन चेंज करके लिखना होगा माइनस साइन अल्फा, ओके, सेकेंड रो भी कंप्लीट हुआ। थर्ड रो के रिलेटेड जीरो माइनस जीरो दैट इज जीरो। अब साइन अल्फा की हम बात करें तो कॉलम एंड रो कैंसल, तो साइन अल्फा माइनस जीरो, बट साइन चेंज करेंगे यहां पर माइनस साइन अल्फा, और लास्ट में हो जाएगा कॉस अल्फा
माइनस जीरो दैट इज कॉस अल्फा, ओके। तो लास्ट में हमको मिलेगा यहाँ पर कॉस अल्फा। तो देखो स्टूडेंट्स ये हो गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम ए इनवर्स की फॉर्मूला लिखते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू वन अपॉन डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो व्हाट इज द डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट इज द माइनस वन, इट इज नॉट ए मॉड्यूलस वैल्यू, ओके। जो आया वो लिखना है आपको, ओके। वो डिटर्मिनेंट की साइन है, दैट इज नॉट ए मॉड्यूलस साइन। माइनस वन जीरो 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 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, एंड थर्ड रो इज जीरो माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। अब देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे वन अपॉन माइनस वन दैट इज माइनस वन, तो माइनस वन अंदर मल्टी करके सभी एलिमेंट्स को लिख दो, क्योंकि बार माइनस वन है तो आप अंदर मल्टी कर सकते हैं, सबकी साइन चेंज हो जाएगी। तो ये हो गया वन जीरो जीरो, सेकेंड रो होगा जीरो कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, पॉजिटिव हो गए दोनों, जीरो साइन अल्फा एंड माइनस कॉस अल्फा। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका ए इनवर्स। तो ये इस मेथड से आपको इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम है कि डिटरमिनेंट्स की वैल्यू चेक करेंगे, इट्स पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी नॉन जीरो होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनना चाहिए, तो ही इनवर्स एग्जिस्ट हुआ, क्योंकि इसकी फॉर्मूला में डिनोमीटर में ए आता है, यानी जीरो आया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, फिर एडजॉइंट फाइंड करके आपको फॉर्मूला में पुट करना है।